हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो आज की डेट है 10 दिसंबर ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। उससे पहले उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछे थे। पहला क्वेश्चन है कि बताइए कनाडा की कैपिटल और करेंसी क्या है। तो जैसा कि आप इवन मैप पे देख सकते हैं, इसकी कैपिटल है ओटावा और अगर इसकी करेंसी की बात करते हैं तो वो है कैनेडियन डॉलर। उसी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट सिटीज आप देख सकते हैं, इसकी वैंकूवर है, मॉन्ट्रियल है, क्यूबेक है। और इवन अगर हम बात करते हैं बॉर्डरिंग कंट्री की, तो यहाँ पे यूएसए से बॉर्डर करता है और ऊपर जो अलास्का देख रहे हैं वो भी बेसिकली यूएस का ही पार्ट है। अगर हम बात करते हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बारे में, तो रिसेंटली नवंबर में जो है इंडिया कनाडा ट्रैक 1.5 डायलॉग हुए थे, जिसके अंतर्गत काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसकी स्कॉलर्स, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स, फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट, उसी तरीके से बिजनेस लीडर और जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ये सारे लोग जो यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व थे। एजेंडा ये था कि किस तरीके से इंडिया और कनाडा का जो पूरा इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसे और ज्यादा ग्रो किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन था कि बताइए जो ऑपरेशन क्लीन आर्ट है ये किस वजह से यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इलीगल ट्रेड देखने को मिलता था मंगूस हेयर का, तो उसे क्रैकडाउन करने के लिए ऑपरेशन किया गया था यहाँ पे यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरला में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मंगूस का हेयर है इसे क्यों यूज किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो पेंट ब्रश का जो ब्रश होता है तो उसमें जो है काफी यहाँ पे मंगूस हेयर का इस्तेमाल किया जाता है। काफी सारे रीजन है, जैसे एक तो उनका जो हेयर का क्वालिटी काफी सुपीरियर है और वो हेयर जो है बेसिकली कलर को काफी अच्छे से होल्ड कर सकता है, इसी वजह से मंगूस हेयर का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे ब्रशेस को बनाने के लिए। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि मंगूस को बेसिकली लिस्ट किया गया शेड्यूल 2 पार्ट 2 ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, इवन IUCN के लिस्ट में जो है उसका स्टेटस लीस्ट कंसर्न्ड है। और इंडिया में बेसिकली आपको 6 ऐसी स्पीशीज मिलेंगी जिनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इंडियन ग्रे मंगूस हो सकता है, स्मॉल इंडियन मंगूस, रूडी मंगूस, उसी तरीके से यहाँ पे और 3 हैं। और जो सबसे ज्यादा तादाद में नजर आता है उसका नाम बेसिकली इंडियन ग्रे यहाँ पे मंगूस है और यही जो है सबसे ज्यादा हंटेड भी है। अगर हम डेटा की बात करते हैं तो पिछले 3 साल में काफी सारे ब्रशेस को सीज किया गया और काफी सारे अरेस्ट भी किए गए हैं। 2019 की बात करते हैं तो 54,352 ब्रशेस को यहाँ पे सीज किया गया है जिसमें मंगूस हेयर का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे 49 अरेस्ट भी किए गए हैं। और ये जो पूरा पहला ऐसा एक पूरा ऑपरेशन है जो बेसिकली पैन इंडिया करने की कोशिश की गई है और ये पूरा कंसीव किया गया था WCCB यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एडिटोरियल पेज की। एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे पहला आर्टिकल यहाँ पे अनाज मंडी में जो रिसेंटली यहाँ पे फायर के केस नजर आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इवन पास्ट में जो है ऐसे फायर के इंसिडेंट्स काफी ज्यादा नजर आए हैं इवन दिल्ली में और अक्रॉस द इंडिया। अब क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, कौन कौन से रेगुलेशन एग्जिस्ट करते हैं जैसे ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे इस आर्टिकल में। नीचे ये वाला आर्टिकल म्यांमार से रिलेटेड है और रोहिंग्या से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है गैम्बिया, उसने जो है यहाँ पे ICJ के सामने यहाँ पे म्यांमार को लेकर गए हैं क्योंकि काफी सारा जो है यहाँ पे उन पे इल्जाम लगा है कि जिनोसाइड हुआ है रखाइन रीजन में अगेंस्ट रोहिंग्यास। तो उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल जानेंगे क्या यहाँ पे अभी प्रेजेंट डेवलपमेंट चल रही है। सेंटर में यहाँ पे डेटा रिलायबिलिटी के ऊपर यहाँ पे आर्टिकल आया हुआ है। इस पूरे आर्टिकल का कंटेक्स्ट ये है कि एज अ पॉलिसी मेकर आपको अगर नई नई पॉलिसीज बनानी है जो इफेक्टिव हो, तो ऑब्वियसली बात है वो डिसीजन आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास कोई यहाँ पे रिपोर्ट्स हो, कोई डेटा हो जो यहाँ पे आपको बताए कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। लेकिन अभी की प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है क्योंकि डेटा कलेक्शन और जो जिस तरीके से वो यहाँ पे ट्रांसमिट की जाती है उसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट्स इस वक्त पूरे प्रोसेस में है। तो उसको क्लीन अप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 एस्पेक्ट से समझेंगे कि किस तरीके से जो है डेटा रिलायबिलिटी इंप्रूव की जा सकती है। नीचे ये वाला आर्टिकल बेसिकली प्रथम जो कि एक एनजीओ है और किस तरीके से उनका यहाँ पे कोलैबोरेशन था यहाँ पे अब्दुल जमील पावर्टी एक्शन लैब के साथ, जो कि बेसिकली अभिजीत बैनर्जी और यहाँ पे ईस्टर के अंदर वर्क करती है। अभिजीत बैनर्जी आप जानते हैं, इनको बेसिकली रिसेंटली नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स का। तो किस तरीके से उन्होंने कोलैबोरेट किया और किस तरीके से रिसर्च किया उसके बारे में उन्होंने अपनी डिटेल्स बताई हुई है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है और किस तरीके से रीसेंट टाइम्स में इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इस आर्टिकल में।
नेक्स्ट पेज पे ये वाला आर्टिकल जो है चाइना के ग्रोइंग नाइट टाइम यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी के बारे में है। तो रिसेंटली हुआ ये था कि चाइनीज का एक वेसल था जो यहाँ पे अंडमान निकोबार के आइलैंड के पास जा रहा था, तो इंडियन नेवी ने यहाँ पे उन्हें बोली बेसिकली सतर्क करके वापस भेज दिया था। लेकिन ये पहली बार नहीं है, चाइना के जो है काफी सारे ऐसे साइंटिफिक स्टडी जो है इंडियन ओशन रीजन में देखने को मिल रहे हैं और आने वाले टाइम में भी जो है ये रुकने नहीं वाले हैं। अब इसको किस तरीके से इंडिया काउंटर कर सकता है उसके बारे में हम जानेंगे इस आर्टिकल में। नीचे ये वाला आर्टिकल वैसे तो अंबेडकर जी के बारे में आया हुआ है, लेकिन अंबेडकर जी के बारे में हमने ऑलरेडी दो आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है, उसके अलावा एक अलग से वीडियो है अंबेडकर जी के बारे में, आप उसे देख सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो एशियन कॉन्टिनेंट पे फोकस है। नेक्स्ट कंट्री जो हम डिस्कस करेंगे वो है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन आप देख सकते हैं सेंट्रल एशिया में नजर आएगा। इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो वह बेसिकली अशखाबाद। आसपास की कंट्रीज देखिए जो यहाँ पे बॉर्डर करता है, और यहाँ पे आपको एक डेजर्ट भी नजर आएगा जिसका नाम है काराकुम डेजर्ट। और अगर हम तुर्कमेनिस्तान की करेंसी की बात करते हैं तो वह बेसिकली तुर्कमेनिस्तानी मन्नत। अब यहाँ पे इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंडिया की एम्बेसी है जो अशखाबाद में खुली थी वो बेसिकली ओपन की गई थी 1994 में। उसी तरीके से तुर्कमेनिस्तान में भी यहाँ पे जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली के लिए। और अगर हम बात करते हैं तापी पाइपलाइन जो जिसके अंतर्गत यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तो ये बेसिकली जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे गैस पाइपलाइन यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड कुछ खास ज्यादा होता नहीं है इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में। और एक और चीज मैं आपको बताया था, किसी ने कमेंट बॉक्स से पूछा था कि अगर आपको कंट्रीज के बारे में अगर जानना है इंडिया के रिलेशन उनके साथ कैसे, तो आप बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाके जो है बाकी कंट्रीज का कितने हमारे रिलेशन है, किस तरीके से वो डेवलप हुए, हिस्ट्री, कल्चर, वो सब चीज़ें जो है आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो यहाँ पे वेबसाइट है उस पर जाके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पहले आर्टिकल की। पहले आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है कि जो रिसेंटली अनाज मंडी में जो ट्रेजेडी हुई है जिसके अंतर्गत यहाँ पे फायर ब्रेकआउट हुआ था, तो उसी के जैसे जो है काफी सारे केसेस देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे काफी ज्यादा जो यहाँ पे अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री हब्स बनते जा रहे हैं और वहाँ पे कोई जो है फायर प्रोटेक्शन के लिए कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो इसी वजह से जब भी ऐसे कोई सिनेरियो आता है तो हमारे पास रेस्क्यू करने के ज्यादा कोई तरीके बचते भी नहीं है। अब हुआ ये भी इसलिए एक फाइव स्टोरी बिल्डिंग थी अनाज मंडी में जहाँ पे जो है यहाँ पे फायर एक्सीडेंट हुआ था। एक सिमिलर इंसिडेंट यहाँ पे इसी एरिया में उपहार ट्रेजेडी हुआ था 1997 में, उसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे उपहार ट्रेजेडी ऑलमोस्ट 22 ईयर्स बैक हुआ था। और फिर से जो है यहाँ पे उसी एरिया में यहाँ पे ऐसा ही यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे ऑलमोस्ट 59 पीपल की यहाँ पे डेथ हुई है, और यहाँ पे जो उपहार फायर था उसमें भी जो है काफी सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी। तो बेसिकली हमने इतने सालों भी इतना ज्यादा जो है डेवलपमेंट नहीं किया ताकि हम ऐसे फायर जो इंसिडेंट्स है उसको यहाँ पे रोक सके। आप देख सकते हैं काफी सारे लोगों ने यहाँ पे स्टेप्स लिए ताकि जो है यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे इफेक्ट हुए उससे उनको यहाँ पे जो है कोई ना कोई यहाँ पे मान लीजिए कोई 10 लाख यहाँ पे दिया जा रहा है केजरीवाल जी के द्वारा। उसी तरीके से बिहार के सीएम जो है उन्होंने भी यहाँ पे 2 लाख यहाँ पे ईच नेक्स्ट टू किन को ऑफ द विक्टिम को देने की डिसीजन लिए है। अगर हम बात करते हैं इस पूरे इंसिडेंट्स की जो यहाँ पे हुआ था संडे को, अब यहाँ पे आपको समझना है कि ऑलमोस्ट 43 वर्कर्स जो है यहाँ पे वो बेसिकली उनको यहाँ पे सांस नहीं मिल रही थी क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज्यादा बढ़ गई थी। तो इसी वजह से आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जब भी कोई फायर इंसिडेंट होता है बेसिकली बर्निंग की वजह से कम लोगों की मृत्यु होती है, इनसे जो है यहाँ पे आपको सांस नहीं मिल पाती है क्योंकि यहाँ पे उतना ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे ज्यादा डेथ देखने को मिलती है। उसके अलावा जिस तरीके से पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था यहाँ पे कोई जो है वेंटिलेशन अवेलेबल नहीं था, उसी तरीके से सिर्फ एक ही एग्जिट पॉइंट था और जो दूसरा एग्जिट पॉइंट था वो बेसिकली पाइल अप हो गया था गुड्स के द्वारा, तो इसी वजह से उस बेसिकली एग्जिट पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उसके अलावा बात करते हैं जो बिल्डिंग के ओनर थे तो उन्होंने कोई NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया था फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से, तो ये सारी चीजें जो है अब यहां पे पता चली हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रीसेंट इंसिडेंट की, आप देख सकते हैं NDRF ने यहाँ पे बेसिकली फैक्ट्री को सर्च किया, जितने लोगों को बचा सके, जितने लोग अभी भी ऑलमोस्ट 14 लोग यहाँ पे कैशुअलिटीज है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये समझनी है कि ऐसे इंसिडेंट जो है जब भी किसी जगह पे होते हैं तो बेसिकली एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन अर्बन अफेयर मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह जी ने जो है यहाँ पे ब्लेम किया है दिल्ली फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को, और जब यहाँ पे DFS से पूछा गया उन्होंने बेसिकली यहाँ पे इल्जाम लगा दिया कि ये म्युनिसिपल अथॉरिटीज के अंदर आता है। तो ऐसा सिमिलर ब्लेम गेम जो है पहले भी देखने को मिला है, जैसे कि आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में जो है होटल में यहाँ पे इन दिल्ली जो है यहाँ पे आग लगी थी, उस टाइम में भी उस स्ट्रक्चर पूरे बिल्डिंग में यहाँ पे कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं था
तो इसी वजह से काफी सारे लोगों का यहाँ पे बेसिकली मृत्यु हुई थी। तो सिमिलर टाइप का जो ब्लेम गेम था उस टाइम भी चल रहा था फरवरी में, सिमिलर गेम जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड एग्जिस्ट करता है, उसमें जो पार्ट 4 है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि बिल्डिंग की फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या चीजें करनी है, लेकिन जो पार्ट 4 ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड है बेसिकली डेड लेटर की तरह वर्क करता है, क्योंकि इसे कभी भी जो है इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। अगर हम बात करते हैं ओनर और यहाँ पे वर्कर्स को, पहले भी बहुत बार कोशिश की गई है कि यहाँ पे उन्हें रिलोकेट कर दिया जाए टू अ बेटर प्लेस जहाँ पे जो है इतना ज़्यादा क्राउडेड ना हो, और अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो आसपास जो है यहाँ पे आग फैले ना। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट की वजह से हम जो यहाँ पे ओनर्स और वर्कर्स को जो है मूव नहीं करवा पाते हैं, और ये बेसिकली जो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज में यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रियल हब खुलते जा रहे हैं, ये बेसिकली पोस्ट लिबरलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। इसकी छोटे छोटे स्लम एरिया में लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे छोटे मोटे चीजों के, जैसे गारमेंट हो सकता है, स्कूल बैग हो सकते हैं, तो ऐसी सारी चीजें जो यहाँ पे वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनाज मंडी का एग्जांपल लेते हैं, तो ये बेसिकली उसी जगह यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी है जहां पे जो है यहाँ पे उन्होंने अलग अलग चीजें यहाँ पे बनाना शुरू किया था। आगे बात करते हैं कि ऑब्वियसली बात है जब भी ऐसा कोई केस होता है तो कोशिश यही हो जाती है कि एक इंडिविजुअल ऑफेंडर जो है उस पर पूरा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है एक क्रिएटिव सॉल्यूशन की यहाँ पे ज़रूरत है, ताकि जो है ऐसे अनरेगुलेटेड जो यूनिट्स है उसको नए इंडस्ट्रियल हब्स में लेकर जाना है। ये कोशिश पहले भी की जा चुकी है अलग अलग एरियाज में, जिसकी कुछ बताया गया है बवाना और नरेला रीजन्स में ये कोशिश की जा चुकी है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट की वजह से लोग मूव नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे हमें जो है यहाँ पे क्रिएटिव की जरूरत पड़ेगी। अभी प्रेजेंट सर्विस क्या है यहाँ पे फायर सर्विसेज का, तो उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो अंडर द 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 243W में कि जो पूरा यहाँ पे डोमेन है ये म्यूनसिपैलिटीज के अंदर आता है। अब यहाँ पे कुछ एरियाज जैसे कि गुजरात छत्तीसगढ़ रीजन में ये बेसिकली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही हैंडल करते हैं फायर सर्विसेज को, लेकिन बाकी रिमेनिंग जो स्टेट्स है वहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री है जिसका नाम है स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी कमिटी SFAC, तो ये बेसिकली जो है उन चीज़ों को हैंडल करता है। अब यहाँ पे हमने बात की कि क्या क्या अभी प्रेजेंट स्टैंडिंग चल रहा है, क्या स्टेटस है, लेकिन शॉर्टकमिंग क्या है पूरे सिस्टम में। पहला यहाँ पे शॉर्टकमिंग ये कि बेसिकली एक यूनिफाइड कोड या कोई स्टैंडर्ड नहीं है अक्रॉस ऑल दी स्टेट्स। इवन यहाँ पे कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलती है, ना ही कोई ट्रेनिंग अच्छी सी मिलती है, ना ही कोई करियर प्रोग्रेशन है उन लोगों के लिए जहाँ पे फायर फाइटिंग करते हैं। उसी के साथ साथ ज़्यादातर जो यहाँ पे फायर फाइटिंग करने के लिए लोग आते हैं उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है, और किस तरीके से स्केल अप करना है ताकि ज़्यादा पॉपुलेशन को केटर कर सके वो भी यहाँ पे प्लानिंग नहीं की जाती है। कभी कभी पे जो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एडिक्वेट फंड्स भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं फायर यहाँ पे एजेंसीज को। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये होता है कि आग लगने से पहले भी आपको बताना चाहिए कौन कौन से रीजन जो है वल्नरेबल है, तो जो वल्नरेबिलिटी का एनालिसिस है ये भी इसलिए जो है काफी सारी सिटीज में किया भी नहीं जाता है। और अगर मान लीजिए किसी भी जगह पे आग लगती है तो क्या करना चाहिए एज अ सिटीजन, वो अवेयरनेस क्रिएट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और जब हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तभी जो है यहाँ पे रेगुलर मॉक एक्सरसाइजेस और जो ड्रिल है उसे भी करवाना इंपॉर्टेंट, ताकि नॉर्मल जनता को पता चले कि आग लगने पे करना क्या है, क्योंकि अगर ये नहीं बताया तो यूजुअली काफी सारे इंसिडेंट्स होते हैं और कुछ जो है यहाँ पे इवन स्टैम्पेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी कंट्री में कौन कौन से मेजर लॉज है। पहला लॉ जो मैंने आपको पहले भी बताया है पार्ट 4 ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड, तो इसमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लिखा गया कि फायर और लाइफ सेफ्टी के लिए जो है क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके अलावा यहाँ पे बिल्डिंग की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। और एक और लॉ है जिसका नाम है द मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज 2003। तो अब यहाँ पे पहले की बात करते हैं तो उसमें चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि फायर प्रिवेंट कैसे करना है, अपनी लाइफ को कैसे बचाना है फ्रॉम स्मोक फायर फ्यूम्स, उसके अलावा फायर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या एसेसरीज होनी चाहिए बिल्डिंग में, और क्या गाइडलाइंस है फायर ड्रिल्स करवाने की, और इवैक्यूएशन का क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पे नेशनल बिल्डिंग कोड में लिखा गया है। अब वे फॉरवर्ड में आपको ये समझना है कि क्या क्या चीज़ें हम आने वाले टाइम में कर सकते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे फायर सेफ्टी ऑडिट करना काफ़ी मैंडेटरी बना देना चाहिए हर बिल्डिंग के लिए। उसी के साथ साथ ये जो पूरा ऑडिट मैकेनिज्म है बेसिकली थर्ड पार्टी को करना चाहिए जिसका बेसिकली एक्सपर्टाइज हो इस फील्ड में। उसी के साथ साथ यहाँ पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे हम यहाँ पे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट जो है ये कर सकते हैं हर बिल्डिंग में एरिया में, पता चलने के लिए कि कहाँ पे जो है फायर ब्रेकआउट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, ताकि जब भी इमरजेंसी हो तो फायर सर्विसेज जो है यहाँ पे वहाँ पे तुरंत यहाँ पे पहुंच जाए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे एक मिटिगेशन प्लान किस तरीके से रिड्यूस करना है फायर इंसिडेंट्स, तो उस पर भी फोकस करना इंपॉर्टेंट है। फाइनली यहाँ पे लोगों को अवेयर करना ताकि ऐसे वो ड्रिल्स को यहाँ पे ऑन अ टाइमली मैनर करते रहे, ताकि जब जरूरत पड़े तब वो जो यहाँ पे इन सारे ड्रिल्स को यहाँ पे असली में प्रैक्टिस कर पाए।
अब इससे रिलेटेड एक बेसिकली क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि देर हैव बीन अ न्यूमरस फायर एक्सीडेंट्स दिस ईयर कॉजिंग सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. व्हाइल द गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज हैव प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड फायर सेफ्टी मेजर्स, इंप्लीमेंटेशन एंड विजिलेंस कंटिन्यू टू बी अ ग्रेव कंसर्न. क्रिटिकली एनालाइज. तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये समझना है कि अब जितने भी आपको यहाँ पे फायर इंसिडेंट्स नजर आते हैं उनका हम एक्सीडेंट नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हम यहाँ पे ना ही कोई इंप्लीमेंट ठीक से कर रहे हैं लॉस को, और ना ही जो है यहाँ पे विजिलेंस मेंटेन कर रहे हैं. तो इनको एक्सीडेंट बोलना गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम अपनी ही गलतियों की वजह से जो यहाँ पे ऐसे इंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं. अगला आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है रोहिंग्या से रिलेटेड. अब हुआ ये था कि आईसीजे की यानी कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे म्यांमार को यहाँ पे लेकर जाया गया, क्योंकि इन पे इल्ज़ाम ये लगा है कि काफ़ी ज़्यादा जीनोसाइड किया गया है यहाँ पे रोहिंग्यास के खिलाफ. अब यहाँ पे जिनका फोटो में देख सकते हैं सूकी जो है आंग सून सूकी, तो ये बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रही है म्यांमार को. बेसिकली आपको बताओ कि इनको नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था म्यांमार में बेसिकली रोहिंग्यास के लिए. लेकिन अभी ये जो है यहाँ पे ठीक उनके उल्टा यहाँ पे आर्मी को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे आईसीजे में जारी है. तो उनके ऊपर यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि इनको जो है इन्होंने ये स्टेप लिया है कि अब ये डिफेंड कर रहे हैं म्यांमार आर्मी को, ये बोलते हुए कि उन्होंने जो भी यहाँ पे एक्शन लिया है वो बेसिकली टेररिज्म को यहाँ पे जो है हटाने के लिए किया है, जो यूजली ज्यादातर गवर्नमेंट सेम ही चीज यहाँ पे बताती है. तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो स्टेप लिया है जहाँ पे ये अभी म्यांमार आर्मी को सपोर्ट करने वाली है यहाँ पे आईसीजे में जाके, इससे इनकी पॉपुलैरिटी म्यांमार में इंप्रूव होने वाली है. क्यों? क्योंकि म्यांमार में जो यहाँ पे मेजॉरिटी यहाँ पे जो रिलीजियस कम्युनिटी रहती है वो बुद्धिस्ट रहती है, तो वो भी उनका सपोर्ट इनको काफ़ी अच्छे से मिला हुआ है. लेकिन म्यांमार में जो यहाँ पे रोहिंग्यास रहते हैं जिनको बेसिकली वो सिटीजन भी नहीं मानते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुखी रहेंगे. और वैसे काफ़ी ज़्यादा रोहिंग्यास जो यहाँ पे म्यांमार छोड़ के अलग अलग कंट्रीज में भी जा चुके हैं. अब बात करते हैं कि रीसेंट कंटेक्स्ट क्या है. तो बेसिकली गैम्बिया नाम का जो कंट्री है इसने बेसिकली जो है आईसीजे में चार्जेस लगाए हैं, ये बोलते हुए कि म्यांमार में जो है काफ़ी ज़्यादा जीनोसाइड किया गया है, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे म्यांमार को खींच के लेकर आए हैं आईसीजे में. अब ये बेसिकली उन्होंने पूरा केस किया था 2018 के यूएन रिपोर्ट के हिसाब से, जहाँ पे जो है बताया गया था कि जीनोसाइडल इंटेंट यहाँ पे जो है म्यांमार की आर्मी के द्वारा दिखाया गया था. अब उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं आंग सून सू की, जिनका फोटो में देख सकते हैं, ये बेसिकली मानी जाती थी कि एक आइकन है फ्रीडम और डेमोक्रेसी की, लेकिन आज के टाइम में ये बेसिकली म्यांमार आर्मी को सपोर्ट कर रही हैं, और इसी वजह से यहाँ पे काफी सवाल इनकी क्रेडिबिलिटी पे उठ गए हैं कि किस तरीके से जो है इन्होंने पूरा यहाँ पे दल बदल लिया है. अगर हम बात करते हैं रोहिंग्यास की, तो ये बेसिकली एथनिक ग्रुप है जो आपको मेजरली रखाइन रीजन में नजर आएगा म्यांमार में, यहाँ पे आप देख सकते हैं. और बेसिकली यहाँ पे जो म्यांमार में आपको बुद्धिस्ट कम्युनिटी नजर आती है, तो उन्होंने उन पर काफी अट्रॉसिटीज की थी, इसी वजह से रोहिंग्या जो है आसपास की कंट्रीज में जाना शुरू किया. हाईएस्ट आपको यहाँ पे बांग्लादेश में जाते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे उन्हें काफी शरण भी दी गई है. उसके अलावा यहाँ पे थाईलैंड में जा चुके हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन एरियाज में जो है यहाँ पे रोहिंग्या सेटल होने गई है. उसी तरीके से वो इंडिया में भी आई थी, जिसकी वजह से काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी यहाँ पे, काफी पोलराइजिंग डिबेट हो रहे थे यहाँ पे रिलीजन ऑफ रिफ्यूजी से रिलेटेड. तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि जो रोहिंग्या का इशू है उसी वह म्यांमार से रिलेटेड नहीं है, अब काफी सारी कंट्रीज जो है उसमें इन्वॉल्व हो गई है. एक और सवाल यहाँ पे ये उठाया जा रहा है कि इतनी सारी पावरफुल कंट्रीज है, जैसे कि यूएस है यहाँ पे, यूरोप में इतनी पावरफुल कंट्रीज है, किसी ने भी जो है यहाँ पे म्यांमार के खिलाफ यहाँ पे कोई केस नहीं किया था आईसीजे में, लेकिन एक छोटी सी कंट्री जिसका नाम है गैम्बिया, जिसको सपोर्ट सिर्फ ओआईसी के द्वारा मिला गया था, उसने जो है यहाँ पे पूरा केस यहाँ पे सामने रखा है आईसीजे के सामने. तो ये भी बेसिकली एक पूरी आयरनी के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है. अगला करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि साउथ एशियन गेम्स 2019 जो है कौन सी कंट्री में हेल्ड हो रहे हैं. तो चार ऑप्शन है, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश. तो ये बेसिकली हेल्ड हो रहे हैं नेपाल में. आप टैली भी देख सकते हैं कि इंडिया को कितने यहाँ पे मेडल मिले, टोटल गोल्ड में कितना है, सिल्वर में कितना है, ब्रॉन्ज में कितना है, फॉलोड बाय यहाँ पे नेपाल है, श्रीलंका है. अब यहाँ पे साउथ एशियन गेम्स के बारे में आप देख सकते हैं नेपाल में हेल्ड हो रहे हैं, कौन सी जगहों पर वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. अगला आर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा और उसके रिलायबिलिटी के ऊपर आया हुआ है. बेसिकली अगर आपके पास डेटा ही यहाँ पे रिलायबल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है उसके बेस पे जो है आप पॉलिसी काफी मुश्किल से बना पाएंगे. तो यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है जिस तरीके से हम इस वक्त इकोनॉमिक स्लो डाउन फेस कर रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए हमें ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई रिफॉर्म लेना पड़ेगा. अब इस रिफॉर्म के साथ हम एक छोटा सा मेजर अगर हम एक और ले लेते हैं, जिसको यहाँ पे ऑथर के द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम डेटा को रिलायबल बनाएं और उसकी डिसिमिनेशन को भी इम्प्रूव कर देते हैं, तो वो काफी बड़ा जो है हमें यहाँ पे पोटेंशियल पे ऑफ दे सकता है.
क्योंकि अगर मान लीजिए आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा करेक्ट है, वो एक असली पिक्चर बता पा रहा है जो कि ग्राउंड रियलिटी से काफ़ी मिलता जुलता है, तो ऑब्वियसली बात है आप एक अच्छा पॉलिसी बना पाएंगे और कहीं ना कहीं लोगों को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि आप जो है असली और रिलायबल डेटा देख के जो है पॉलिसी बना रहे हैं। इससे फ़ायदा ये भी होगा कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स है वो देखेंगे कि आपकी पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी से मिलती जुलती है, तो इसी वजह से उनको भी कॉन्फिडेंस होगा कि वो जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करे अलग अलग कंपनीज में विद इन आर कंट्री। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे केनेसन में एनिमल स्पिरिट की बात जाती है वो तभी यहाँ पे आएगा जब यहाँ पे लोगों को कॉन्फिडेंस होगा गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, और इकोनॉमिक पॉलिसी तभी अच्छी हो पाएंगी जब आप डेटा रिलेटेड जो यहाँ पे डिसीजन लेना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया के सामने आज के टाइम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं पॉलिसी रिलेटेड, इसका जवाब जो है हम यहाँ पे दे नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा इतना रिलायबल नहीं है तो इसके जवाब देना मुश्किल है। इसकी सवाल हो सकता है कि बताइए कि कितना यहाँ पे इकोनॉमी को सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए या फिर रीजनेबल अमाउंट चाहिए या फिर मैसिव मेजर की जरूरत है। तो ये बेसिकली क्लासिक डिबेट है कि कोई बिग बैंग रिफॉर्म करना है या छोटे मोटे रिफॉर्म्स करने हैं ऑन अ ग्रेजुअल लेवल। अभी तभी हम डिसीजन ले पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि क्या इंपैक्ट चल रहा है, कितनी पॉवर्टी चल रही है, कितनी इनइक्वालिटी है बिटवीन डिफरेंट स्टेटा। ये जब तक हम बस डेटा क्रेडिबल नहीं होगा तब तक हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए क्या एम्प्लॉयमेंट सही में हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम है या नहीं है। इसको भी हम तभी आंसर कर पाएंगे जब हमारे पास एक रिलेवेंट डेटा हो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे जो है यहाँ पे टैक्स कलेक्शन यहाँ पे कम हो रहा है, इसके क्या रीज़न है, क्या हमें अपना जीएसटी का जो पूरा मॉडल है क्या उसे इन्वॉल्व करना है नहीं करना है, पावर्टी ऊपर गई है या नीचे गई है, तो इसके रिलेटेड काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आती है, अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग डेटा आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे समझ में नहीं आता कि कौन सा डेटा क्रेडिबल है, और गवर्नमेंट जब यहाँ पे कोई रिपोर्ट रिलीज करता है क्या उसको भी यहाँ पे बेसिकली सैक्रोसेंट मानना है नहीं, तो उस पर भी यहाँ पे सवाल उठ जाता है। अब इन सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चन से एक चीज़ तो ये समझ में आ गई है कि पॉलिसी मेकर्स के पास एक काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि एक ऐसे डेटा पॉइंट्स को देखकर जो है आप पे कोई भी पॉलिसी बनाएं। तो इसी वजह से सबसे पहले हमें ज़रूरत ये है कि एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करना शुरू करें, और उसमें जितना भी बायस नज़र आता है, जैसे हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट बायस का, तो ऐसे जितने भी बायस एग्जिस्ट करते हैं उसको जो है आप हटा के जो है नए स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट का इमीडिएट टास्क होना चाहिए किस तरीके से तीन सेक्टर यानी कि रियल, फिजिकल और फाइनेंशियल सेक्टर में जो है हम यहाँ पे डेटा कलेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं रियल सेक्टर की। रियल सेक्टर में अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ जीडीपी की, एम्प्लॉयमेंट और कंजम्पशन लेवल, तो इस पे अलग अलग रिपोर्ट्स आती है, अलग अलग डेटा यहाँ पे रिवील करती है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे जो है रिजेक्ट करना है। इसमें यहाँ पे सजेस्ट किया जा सकता है कि हम जो है लीडरशिप ले सकते हैं अंडर द नोबेल प्राइज विनर यहाँ पे अभिजीत बैनर्जी की, जिनका जो है पूरा इस इश्यू में काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। ये बता सकते हैं किस तरीके से हम डेटा कलेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, स्टैटिकल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक कि कैसे जो है आने वाले टाइम में हम जब जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कितना है इसको किसे इंप्रूव करना है, और जो पुराना डेटा है उसको किस तरीके से यहाँ पे इंप्रूव करना है, उसमें कौन सी फैलसीज है उसको अंडरस्टैंड करना भी इंपॉर्टेंट है। तो दो सेट ऑफ प्रॉब्लम जो रियल सेक्टर में नजर आती है तो उसको हैंडल करने का सजेशन दिया है। अगर हम फिस्कल अकाउंट्स की बात करते हैं तो बोला जा रहा है जो नेक्स्ट बजट आने वाला है उसमें जो हम क्लीन अप कर सकते हैं फिस्कल अकाउंट्स में, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं जैसे बता दी जाती है यूजुअली बजट में, जैसे कितना हमें अभी भी पे करना है सप्लायर्स को, कितना अरियर अभी भी बाकी है, तो उसका डेटा यहाँ पे बजट में नहीं बताया जाता है। एक यहाँ पे बिल्डअप ये ऑलरेडी हो चुका है कि सीएजी जो है उन्होंने रिसेंट रिपोर्ट रिलीज की थी जहाँ पर रिग्रेस अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बताया था, जिसमें जो है काफ़ी सारा डेटा पॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, उसी को फॉलो करने की बात की जा रही है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइम यहाँ पे राइप हो चुका है कि हम यहाँ पे सेकंड असेट क्वालिटी रिव्यू करें, क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे उधार दे दिया जा चुका है लेकिन वो उधार वापस आ नहीं रहा है, लोग पे बैक नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम जब हम लोन दें तो ऑब्वियसली बात है अपने सबसे पहले असेट की जो क्वालिटी है उसको रिव्यू करें कि कितने आसानी से हमें उसे बेसिकली पैसे में वापस मिल सकते हैं, उसको रिव्यू करना भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे रेगुलेटरी सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम है, इसी वजह से काफ़ी सारे इंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं, एनबीएफसी क्राइसिस हुआ है, उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का इशू था, इवन यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का, तो कहीं ना कहीं आपको समझना है किस तरीके से रेगुलेटर को जो है इंप्रूव करने की जरूरत है। अब ये असेट क्वालिटी रिव्यू के लिए और यहाँ पे किस तरीके से रेगुलेटर को अच्छे से काम करने के लिए एक कमेटी बनाने की जरूरत है, तो उसमें हम यहाँ पे बेसिकली फॉर्मर आरबीआई गवर्नर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जानता है कि कितना मैग्नीट्यूड का यहाँ पे जो है चेंज जरूरत है और किस सेक्टर को कैसा सोल्यूशन चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एक बेसिकली पैरेलल एनालॉजी दी जा रही है कि आप बेसिकली कार को तभी अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे जब आपके पास कुछ बेसिक डेटा अवेलेबल हो, जैसे कि क्या स्पीड पे आप जा रहे हैं, फ्यूल कितना है आपके टैंक में और कितना बेसिकली प्रेशर है आपके टायर में, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी क्रिटिकल है। लेकिन इंडिया में यूजुअली हम यहाँ पे क्या करते हैं,
कि इकोनॉमी पे चलाते हैं अभी, इसलिए यहाँ पे पेट्रोल खत्म होने वाला है तब तक जो हम चलाते रहते हैं। लेकिन इकोनॉमी के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास डेटा रिलायबल नहीं है तो ऑब्वियसली सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगला करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है इसरो इज टू लॉन्च विच ऑफ द शार्पायर सर्वेलेंस सैटेलाइट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली है रिसैट 2BR1। तो ये बेसिकली लॉन्च होने वाला है और ये बेसिकली 50th मिशन होगा इसरो का, और यहाँ पे जो बेसिकली एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके बारे में और डिटेल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिकली रिपसैट है क्या वो भी देख सकते हैं, कि जो एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि हेल्प करने वाला है यहाँ पे इसरो की। अगला आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है 2019 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलेटेड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे इनइक्वालिटी हमारी कंट्री में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो काफी सारी रिपोर्ट्स हमने इससे पहले भी देखी थी, जैसे कि आप अगर बात करते क्रेडिट सूसे की एक रिपोर्ट थी, उसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि जो 10% इंडियन पॉपुलेशन है उनके पास जो है 77% ऑफ जो टोटल नेशन का जो वेल्थ है उनके हाथों में है। उसी तरीके से अगर हम इन शॉर्ट बताएं तो यहाँ पे रिच तो है वो काफी ज्यादा रिच होता जा रहा है और जो पुअर है वो थोड़ा सा जो है रिच हो रहा है, लेकिन अभी भी जो है डिस्पैरिटी काफी ज्यादा है इन दोनों के बीच में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस है उनको अभी भी लो इनकम तो मिली रही है, लेकिन उसके अलावा भी काफी प्रॉब्लम है, जैसे कि जो बेसिक अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें जो है वो डिवॉइड हो रही है। बेसिकली यहाँ पे आपको ये समझना है कि पॉलिसी मेकर को जो है बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ताकि लिविंग विद डिग्निटी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिविंग की जो डेफिनेशन है वो काफी ज्यादा ब्रॉड हो चुकी है आज के टाइम पे। मियर ब्रीथिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग, आपको बेसिकली जो है लिविंग विद डिग्निटी जो है इसको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो भी जो है यहाँ पे पुअर को ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। इंस्टेंट फोकस ये करना है कि इस तरीके से पुअर जो है नई नई टेक्नोलॉजी को हार्नेस कर पाएगा, रोबोटिक्स, AI, तो इन टेक्नोलॉजी को जब तक उन तक नहीं पहुंचा जाएगा तब तक यहाँ पे इनइक्वालिटी रिड्यूस नहीं होने वाली है। इनइक्वालिटी हम यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ पे हम मनी के टर्म्स से बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, जिसकी जेंडर इनइक्वालिटी हो सकती है यहाँ पे बेस्ड ऑन इकोनॉमी, सोशल, ये सारी इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताई गई है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो ऑब्वियसली बात है काफ़ी सारी रिपोर्ट से पहले ही बताया जा चुका है कि इंडिया में जो है ये इनइक्वालिटी और भी बढ़ती हुई जा रही है, मतलब अभी भी जो है वुमेन एम्पावरमेंट इतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है। इंस्टेड एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है वो ये है कि SC ST कम्युनिटी के जो लोग यहाँ पे जो है कैचअप कर रहे हैं बाकी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से प्राइमरी एजुकेशन में एटलीस्ट, उसके अलावा इनके पास अब एक्सेस आ चुका है मोबाइल फोन्स का और कुछ जगहों पे कंप्यूटर्स भी आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है बेसिकली एक स्टेप दूर है पावर्टी से। अगर यहाँ पे एक भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है उनको हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो फिर से वो पावर्टी के जो यहाँ पे जगह है वहां पे वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जो बेसिकली जो है इनइक्वालिटी को इंक्रीज करेगा, उसी के साथ साथ जो यहाँ पे कोस्टल एरियाज में जो ज्यादातर लोग रहते हैं वो उससे ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो सकता है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो सारी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो ऑथर का मानना है कि हमें इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए किसी और कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है। हमने रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी थी यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की, तो बेसिकली UNDP और ऑक्सफोर्ड पावर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, जिसमें यह बताया गया है कि बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट 270 मिलियन इंडियंस को जो है हमने यहाँ पे मल्टी डायमेंशन पावर्टी से यहाँ पे बाहर निकाला है बिटवीन द डिकेड ऑफ 2005 से 16 के बीच में। तो उसमें हमने जो नोटेबली स्टेट्स है जैसे कि बिहार और झारखंड, तो उसमें जो है उन टेरिटरीज में हमने पावर्टी को काफी रिड्यूस किया है, तो हमें पता है कि क्या करना है, तो उसे जो है यहाँ पे और अच्छे से इंप्रूव करना है। अब सबसे पहले ये है कि पावर्टी तो हम रिड्यूस कर ही रहे हैं, लेकिन जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिनको डिप्राइव किया जा रहा है बेसिक एमिनिटीज है इसकी हेल्थ केयर, एजुकेशन, तो इसको रिकॉग्नाइज करना और एलिमिनेट करना ये जो है नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है। अगला आर्टिकल यहाँ पे चाइना से रिलेटेड है और किस तरीके से वो अपनी मैरीटाइम रिसर्च को कर रहा है यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में, तो उसके बारे में हम जानते हैं। रिसेंट कंटेक्स्ट ये है कि चाइनीज रिसर्च वेसल है यहाँ पे जिसका नाम है Xi'an 1, तो ये बेसिकली इंडियन ओशन रीजन में देखने को मिला था अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास। तो इंडियन नेवी को जैसे ही पता चला उन्होंने बेसिकली यहाँ पे चाइनीज वेसल को यहाँ पे निकाल दिया इंडियन ओशन के बाहर वापस जहाँ से वो आया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बीजिंग यानी कि चाइना जो है ऐसे एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट करता है मैरीटाइम साइंटिफिक रिसर्च में। अब यहाँ पे उसने पहले भी ऐसी चीजें की थी और ये जो Xi'an 1 है ये बेसिकली चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस को बिलोंग करता है, उसके पास और भी ऐसे 50 वेसल एग्जिस्ट करते हैं जो विद इन द वर्ल्ड जो है अलग अलग जगहों पर रिसर्च कर रहा है। अब यहाँ पे इससे पहले भी हुआ था कि उसने जो है पाकिस्तान के साइंटिस्ट को इन्वाइट किया था चाइना ने कुछ यहाँ पे ज्वाइंट रिसर्च एक्सपेडिशन करने के लिए इन दी अरेबियन सी। अगर आपको बात करते हैं यहाँ पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यहाँ पे एडमिरल करमबीर सिंह ने ये बोला था
कि यहाँ पे शियान वन ने किसी से परमिशन नहीं ली थी यहाँ पे पूरा रिसर्च करने के लिए। इवन इंडिया के यहाँ पे जो टेरिटरी में किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि ऐसा कोई ऑपरेशन या फिर जो कोई एक्सपेरिमेंट जो है होने वाला है, तो इसी वजह से विदाउट परमिशन एंटर करने की वजह से जो है उनको निकाल दिया गया है। अगर हम बात करते हैं रिसर्च एक्टिविटी की, तो ये काफ़ी कंसर्न हो रेज कर सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी में जो है यहाँ पे फ्रीडम दी गई है मैरीटाइम साइंटिफिक रिसर्च की, तो इसको हार्नेस करते हुए जो है चाइना अलग अलग जगहों पे काफी आसानी से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर लेता है। अब जरूरत यह है कि अभी भी हमें समझना है कि यूएन क्लॉज में जो है काफी सारे लॉस है जिसमें लूप होल्स है, फ्लॉस है, तो इसको कंसिडर करना भी इंपॉर्टेंट है। अब इसे हम कैसे कोप अप कर सकते हैं, एक तरीका ये कि अगर जब भी कोई भी ऐसा विदाउट परमिशन इंटरवेंशन होता है तो उसको यहाँ पे बाहर निकाल देना। उसके अलावा हम कोलैबोरेट कर सकते हैं बाकी कंट्रीज के साथ, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। अगर हम बात करते हैं शियान वन की, इसे भी इसलिए इसी नेशनल फ्लीट कहा जाता है चाइनीज का, इसके पास काफी सारे रोल्स होते हैं जिसके यहाँ पे सेड सी बेड की माइनिंग करना, उसी के साथ साथ यहाँ पे डेटा कलेक्ट करना ओशन से रिलेटेड, उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से डिप्लोमेसी इंप्रूव करना दूसरी कंट्रीज के साथ, ये बोल के कि आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं हमारे साथ, तो ये बेसिकली इसका एजेंडा है इस पूरे शिप का। उसके अलावा बात करते हैं कि हम अपना केबिलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब रिसेंटली हम यहाँ पे जापान से बात करने वाले हैं, उसके अलावा यूएसए भी, तो वहाँ पे हम जो है यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च इन मैरीटाइम डोमेन जो है उसको एज अ प्राइमरी एजेंडा बना सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे कोलैबोरेटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस है, तो इनके साथ और ज़्यादा जो हम यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं मैरीटाइम यहाँ पे फील्ड में। अगले जो दो क्वेश्चन है जहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, पहला क्वेश्चन है कि बताइए मॉरिशियस की कैपिटल और करेंसी क्या है। अगला क्वेश्चन था कि बताइए कि विच पोर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द पोर्ट ऑफ कॉल बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो बेसिकली दो ऐसे पोर्ट है उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।